Everyone. welcome to the channel in this video we are going to cover peer-to-peer -peer computer network architecture as in the previous video we have discussed there are basically two types of computer network architecture and the first type is peer-to-peer -peer. so in case of peer-to-peer -peer, it's all computers are linked together all the computers are linked together with equal privileges with equal privileges and responsibilities and responsibilities that means in case of peer to peer network every computer system connected with the help of internet has equal responsibilities and equal privileges for processing the data all these responsibilities and privileges just to process the data ओके पेयर टू पेयर नेटवर्क इज वेरी यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरमेंट्स इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्मॉल एनवायरमेंट्स एंड यूजुअली यूजुअली अप टू टेन कंप्यूटर्स दिस इज बिकॉज पेयर टू पेयर कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है हर एक कंप्यूटर सिस्टम हर दूसरे सिस्टम के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट होता है सो so, इसमें हम लोग स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहें तो वो कनेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा केबल्स का यूज़ होगा एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये नेटवर्क हो जाएगा इसलिए अगर हमें सिर्फ दस या उससे कम कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करना है ओनली देन वी कैन यूज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क थर्ड पॉइंट वी हैव इज पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर नो डेडिकेटेड server this means there is no server available on this type of network all the things are transferred only with the help of computers okay next point is some special permissions some special permissions are assigned are assigned to each computer to each computer for sharing the resources फॉर शेयरिंग शेयरिंग रिसोर्स बट दिस कैन लीड टू बी प्रॉब्लम इफ द कंप्यूटर विद द रिसोर्स इज डाउन ओके इसका मतलब यह है कि हर एक कंप्यूटर इंडिविजुअली अपना काम करता है कोई भी यहाँ पर सेंट्रलाइज डिवाइस कोई भी सर्वर नहीं होता है अगर वो इंडिविजुअल कंप्यूटर कभी खराब हो जाता है तो उससे डेटा लॉस्ड होने के पूरे पूरे चांसेज हैं सो यह एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की डिसएडवांटेज है पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क में सो so, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ में डायग्राम के साथ में पीयर टू पीयर नेटवर्क समझाती हूँ सो दिस इज़ द जनरल डायग्राम ऑफ पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एवरी कंप्यूटर सिस्टम इज़ कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी अदर सिस्टम अगर मान लीजिए कंप्यूटर नंबर वन ने डेटा भेजना है कंप्यूटर नंबर थ्री को तो वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है या कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है यहाँ पे सेंट्रलाइज डिवाइस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है सो बाय चांस अगर ये वाला सिस्टम खराब हो जाता है देन डेफिनेटली हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है एंड इसको रिकवर करने का कोई भी चांस नहीं है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कहा पीयर टू पीयर तो नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर ओके okay, यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं है हर एक कंप्यूटर सिस्टम ऑलवेज बिहेव्स लाइक सर्वर एंड क्लाइंट बाय देयर सेल्फ ओके ये क्लाइंट भी खुद ही है एंड ये सर्वर का काम भी खुद ही कर रहा है यहाँ पे कोई अलग से क्लाइंट्स एंड सर्वर अवेलेबल नहीं होते हैं एंड यहाँ पे हर एक कंप्यूटर सिस्टम हर दूसरे सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट करता है सो so यहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो ये वाला कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ओके okay, सो so इसीलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा टेन कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोगों को सिर्फ दस सिस्टम्स को कनेक्ट करना है ओनली देन वी कैन यूज़ पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क द बेनिफिट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ दैट इट बिकम्स वेरी ईजी टू सेटअप it becomes very easy to set up and maintain and maintain each each computer system Okay, because there are, a num there are a limited number of computer systems available in peer to peer network, so it becomes very easy to maintain and set up the these computer systems. And this type of network architecture is less costly as it does not contain any dedicated server. Okay, so now we will discuss some advantages and disadvantages of using peer to peer computer network. So, the first advantage of using peer to peer network is it is less costly. It is less costly as it does not contain any dedicated server because there is no dedicated server, and also we can say that there is no central device, no central device available in peer-to-peer -peer network. And the disadvantage of using peer-to-peer -peer is that it does not contain a centralized device, therefore it cannot backup. It cannot.

ओके okay. अगर एक कंप्यूटर जो है फर्स्ट कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो सेकेंड और थर्ड या जो भी कंप्यूटर्स हैं जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पे इसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा वो अपना काम इंडिविजुअली कर ही रहे हैं क्योंकि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है ओके एंड द सेकेंड डिसएडवान्टेज इज दैट इट हैज़ अ सिक्योरिटी इशू इट हैज़ अ मेजर इशू ऑफ सिक्योरिटी As the device is managed itself, okay. Because devices are devices are managed itself. Okay. And the, next and the next advantage of using peer-to-peer -peer network is that it is very easy to set up and maintain. Easy to set up and maintain. च कंप्यूटर मैनेजेस इट सेल्फ ओके सो इट इज द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवाटेज अगर हर एक कंप्यूटर अपने आप को हैंडल कर रहा है अपनी फंक्शनैलिटीज खुद हैंडल कर रहा है तो उस सिस्टम को सेटअप करना एंड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इज़ी हो, हो जाता है लेकिन उसी तरफ अगर वही कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इंडिविजुअली उसे मैनेज करना उसके डेटा को बैकअप करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है सो so, यही एक पॉइंट है जो डिसएडवांटेज के साथ भी काउंट कर सकते हैं एंड एडवांटेज में भी हम लोग काउंट कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच